इज्जत से पेश आएंगे। इस बीच विदेशों में हमारे बहादुर नौजवान दुश्मनी ताकतों को दिखा रहे हैं कि आजादी की कीमत जितनी भी चुकानी पड़े कम है। अरे क्या पका रहा है यार, खत्म करो इसे, कोई कार्टून फिल्म लगाओ यार। मुंह बंद करो अपना। मित्र राष्ट्र सेनाओं के साथ हम हर खतरे का सामना करेंगे, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बहुत पटर पटर कर रहा था ना, और मार खाएगा? मुझे बहुत सहन शक्ति है। ए, इससे क्या लड़ता है, मुझसे लड़। कभी कभी लगता है तुम्हें मार खाने में बड़ा मजा आता है। मैं बस उसे हराने ही वाला था। कितनी बार टेस्ट दे चुके हो? ओह, तो अब तुम पिरामिड शहर से टेस्ट दे रहे हो। जानते हो ना कि फॉर्म में झूठ लिखना गैर कानूनी है, खास करके पैदाइश की जगह। तुम्हें ऑर्डर्स मिल गए? 107 सर्जेंट जेम्स बानिस कल सुबह इंग्लैंड चल देगा अपनी ड्यूटी के लिए। मुझे भी जाना चाहिए। अरे चलो यार, मेरी आखिरी रात है, तुम्हें तैयार भी तो करना है। क्यों, हम कहां जा रहे? भविष्य की विश्व प्रदर्शनी 1943। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। न्यूयॉर्क में तुम अकेले शादी लायक आदमी बचे हो। जानते हो यहाँ 35 लाख औरतें हैं। मेरे लिए एक ही काफी है। अच्छा हुआ मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया। हाय बकी। उन्हें मेरे बारे में क्या बताया तुमने? सिर्फ अच्छी बातें। मॉडर्न मार्वल्स पवेलियन और भविष्य की दुनिया में आपका स्वागत है। एक बड़ी दुनिया, एक बेहतर दुनिया। ओह माय गॉड, वो आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने आ रहे हैं मिस्टर हॉवर्ड स्टार। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ही सालों में आपकी मोटर कारें जमीन तक नहीं छुएंगी तो? जी हां, शुक्रिया मंडी। स्टार ग्रेविटिक रिवेशन टेक्नोलॉजी से आप बिल्कुल यही कर पाएंगे। मैंने कुछ सालों में कहा था, याद है ना? अरे यार स्टीव, चल लड़कियों को कुछ खिलाते पिलाते। अब चलो भी मेरे सोल्जर। डेट का मतलब तो समझ नहीं रहे, चलो कुछ पीने चलते हैं। तुम जाओ, मैं अभी आता हूं। क्या तुम सच में टेस्ट दोगे? ये मिला है, मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊंगा। क्या बनकर, कहां का एड्रेस दोगे? तुम पकड़े जाओगे, वो तुम्हें अंदर डाल देंगे। तुम समझते हो मैं ये नहीं कर सकता? पर ये मैं बच्चों का खेल नहीं स्टीव, ये जानता हूँ। ये जंग तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्यों, और भी अच्छे काम? क्या चाहते हो मैं क्या करूं? कबाड़ी इकट्ठा करो अपने लाल गाड़ी में। क्यों नहीं, किसी फैक्ट्री में नहीं बैठने वाला। बाकी कम ऑन, लोग वहाँ अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं कम से कम उतना तो करूं। तुम मेरे जज्बात को नहीं समझ रहे हो, ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। सही कहा, क्योंकि तुम्हें कुछ साबित जो नहीं करना। अरे सार्जेंट, क्या हम डांस करने नहीं जाएंगे? हाँ हाँ जरूर। जब तक मैं इंग्लैंड से न लौटूं कोई बेवकूफी